लास्ट ईयर तक तो हर जगह बियर्ड ही बियर्ड था, एवरी सिंगल थिंग वॉज रिलेटेड टू द बियर्ड, अबाउट द बियर्ड. अब क्या हो गया? हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्डेड छोकरा. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आई पोस्ट टू वीडियोस पर वीक, वेनसडेज एंड संडेज इज व्हेन आई अपलोड माय वीडियोस. तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज नीचे वो सब्सक्राइब बटन और वो बेल आइकन दबाना ना भूले. अब ऐसे कुछ लोग हैं, इवन इन माई कॉमेंट सेक्शन एंड इवन एट होम, इवन इन माई फैमिली, जो बोलते हैं कि मैंने जो बियर्ड ग्रो करी है वो ट्रेंड के लिए एक बियर्ड ग्रो की है, और अब जब ट्रेंड ही नहीं रहा तो आई शुड शेव इट ऑफ, आई शुड बिकम क्लीन शेवन, और आई शुड एटलीस्ट ट्रिम इट ऑफ. इतनी बड़ी बियर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले तो आई डिडंट स्टार्ट ग्रोइंग द बियर्ड जब वो एक ट्रेंड बन चुका था. आई हैड स्टार्टेड ग्रोइंग द बियर्ड वे बिफोर इट वॉज अ ट्रेंड. ट्रेंड तो सिर्फ ये लास्ट ईयर बना है, उससे पहले से आई हैव बीन ग्रोइंग अ बियर्ड एंड माई बियर्ड इज गोना कम्प्लीट 3 years इन अ कपल ऑफ मंथ्स. इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने मेरे बाद शुरू किया है एक बियर्ड चैनल एंड दे हैव लिटरली रिप्ड ऑफ ऑफ माई कॉन्टेंट एंड स्टार्टेड मेकिंग बियर्ड रिलेटेड वीडियोज, बियर्ड प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोज, एंड दे वर टेलिंग पीपल दैट दे हैव एन एक्सपर्टीज इन बियर्ड्स. अब ये सब मैं चाहिए तो बहुत बड़ा बवाल कर सकता था, रोक सकता था, बट मेरा मोटिव था मैसेज स्प्रेड करना, और अगर बहुत सारे लोगों के थ्रू वो मैसेज स्प्रेड हो रहा है देन दैट्स द मोटिव. अब पिछले साल हर एक बंदा, एवरी सिंगल वन हु वाज अ नोबडी, इवन टू सेलिब्रिटीज, दे वर ग्रोइंग अ बियर्ड. हर एक बंदे ने एक बियर्ड स्पोर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश की है. Some of them really succeeded. और तो और इतने सारे companies आ गए selling beard products. There were so many companies, इतने सारे beard oils आ गए, इतने सारे beard products आ गए that it became tough for customers to choose from. Trend की हद तो तब पार हो गई जब गाने बनना शुरू हो गए beard के ऊपर. I know all of you have heard that song, इतनी ज़्यादा marketing की है उस चीज़ की. पिछले साल तो bearded guys were considered literally gods. They were given so much importance. If you have a beard, you're automatically, you know, one level higher than all the other men. Itni zyada hype, itna zyada publicity, aur ab kya? It's all gone. Koi baat hi nahi kar raha hai is cheez ke bare mein. Beard companies shant hai. Beard companies khud alag alag genre ke products nikal rahe hain. The so-called beard clubs, they're gone. Shant. Nothing to speak about. क्यों? क्योंकि वो आए थे ट्रेंड के साथ और गए भी ट्रेंड के साथ. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरी की पूरी जान लगा देते हैं कोई ट्रेंड फॉलो करने के लिए, एंड नाउ इट्स ऑल डन एंड डस्टेड, नो वन्स टॉकिंग अबाउट एनीथिंग. एंड हियर आई एम स्टिल स्पोर्टिंग अ बिग बियर्ड. आई नो अ फ्यू पीपल हु आर स्टिल स्पोर्टिंग अ बिग बियर्ड. नाउ दीज आर सच पीपल जिन्होंने बियर्ड ट्रेंड को देख के नहीं ग्रो की है. दे हैव स्टार्टेड वे बिफोर द ट्रेंड एंड दे हैव स्टार्टेड फॉर अ वेरी वेरी डिफरेंट रीजन. मेरे लिए कभी भी एक ट्रेंड नहीं था. अगर मेरे लिए ये ट्रेंड होता तो आई वुड हैव हैड एटलीस्ट 5-6 पैची बियर्ड वीडियोज एंड एटलीस्ट 5-6 बियर्ड ग्रोथ वीडियोज. आई वुड हैव हैड अ लॉट ऑफ दैट कॉन्टेंट, और आज शायद मेरे डबल ट्रिपल सब्सक्राइबर्स होते और मे बी 3 गुना ज्यादा व्यूज भी होते चैनल के ऊपर. अब यहाँ पे सच्चाई ये है कि नॉट ऑल मैन हैव द गट्स एंड द पेशेंस टू ग्रो अ बिग बियर्ड एंड टू मेंटेन अ बिग बियर्ड. अब मेरा मेन मोटिव ये वीडियो बनाने के लिए यही था कि आई वॉन्ट टेल यू दैट डू नॉट फॉल प्रे टू ऑल दीज ट्रेंड्स. बिकॉज इसमें होता ये है, जब एक ट्रेंड बनती है बहुत सारे लोग उस ट्रेंड के पीछे खींचे चले आते हैं. दे स्टार्ट एंड व्हेन दे ट्राई टू फुलफिल दैट ट्रेंड, और अगर ट्रेंड के अंदर सपोज ये बियर्ड है और ये बियर्ड ट्रेंड में आपको आने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, वो है एक फुल डेंस बियर्ड. और अगर आप एक ऐसे इंसान है जो ये फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो यू आर द पर्सन हु इज एट लॉस एंड यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू बी डिसहार्टेंड, एंड आप ही हो जो बाद में लॉन्ग टर्म लॉस में जाओगे, बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी ट्राइंग ऑल दिस बुलशिट प्रोडक्ट्स एंड इन टर्म्स ऑफ योर टाइम दैट यू वेस्टेड ऑन दिस ट्रेंड. मेन थिंग ओवर हियर इज आप अपनी पर्सनैलिटी बनाइए. मैंने अपनी बनाई, मेरे लिए दिस इज माई पर्सनैलिटी. फॉर यू इट माइट नॉट बी, फॉर यू इट माइट बी अ शॉर्टर बियर्ड, फॉर यू इट माइट बी क्लीन शेवन, वॉट एवर फ्लोट्स योर बोट, मेक योर ओन पर्सनैलिटी. डोंट जस्ट फॉलो पीपल जस्ट बिकॉज देव गॉट गुड मार्केटिंग टेक्निक्स. ट्रेंड और नो ट्रेंड, जस्ट बी योर सेल्फ एंड कीप ग्रोइंग. मुझे आज ये बियर्ड ट्रेंड मरती हुई दिख रही है एंड आई डोंट रियली केयर, बिकॉज मुझे इस बियर्ड ट्रेंड से कभी कोई लेना देना था ही नहीं. व्हाट आई वांटेड टू डू वाज स्प्रेड द नॉलेज एंड स्प्रेड द करेक्ट मैसेज एज फार एज बियर्ड्स गो, एंड आई थिंक आई हैव डन माय बिट, एंड इफ आई हैवंट आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग टू डू दैट. ट्रेंड हो या ना हो, ये और ये चैनल
कहीं पे भी नहीं जा रहे. गाइज दिस वॉज जस्ट अ शॉर्ट वीडियो, जस्ट वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन विद यू गाइज. मुझे सिर्फ आपको एक यू नो एक अलग पर्सपेक्टिव देना था इस पूरे ट्रेंड के ऊपर. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज नीचे वो लाइक बटन, वो शेयर बटन, वो सब्सक्राइब बटन और वो बेल आइकन दबाना ना भूले. मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगी. जो भी बियर्ड प्रोडक्ट्स जो अच्छे हैं, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ या फिर जो काम करते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, वो सारे मैं नीचे लिंक कर दूंगा. विद दैट सेड, जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. सो गाइस, दिस इज जस्ट एन अनाउंसमेंट दैट आई वॉन्ट टू मेक. इफ एनी ऑफ यू लाइक द कॉन्टेंट, इफ यू गाइज वॉन्ट टू रियली सपोर्ट द चैनल, देन प्लीज हेड ऑन ओवर टू Patreon. वहाँ पे आप मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं, वहाँ पे आप इस चैनल के लिए डोनेशन दे सकते हैं. मेक श्योर यू हैव अ क्रेडिट कार्ड और अ PayPal अकाउंट, तो आपको ये इजिली करने मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको वन ऑन वन कंसल्टेशन चाहिए मेरे साथ, यू वॉन्ट टू आस्क मी और डाउट्स विच यू कैनॉट आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन, यू कैन कॉल मी ऑन कॉल मी फॉर ऐप. इट्स अ पेड कंसल्टेशन बट यू कैन डू दैट टू गेट दी आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चन. आई होप अ फैमिली कीप्स ग्रोइंग एंड आई होप यू गाइज कीप सपोर्टिंग. Thank you. I'd like to help everyone if possible.